दोस्तों, इस वीडियो में हम हरियाणा के मार्च 2019 के कंप्लीट महीने के जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संदीप धैल एजुकेशन में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हरियाणा में डाडम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो डाडम पहाड़ी जो है वो तोशाम में स्थित है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, तोशाम जो है वो भिवानी जिले के अंदर आता है और इसमें जो है वो डाडम पहाड़ी स्थित है। तो मुंगीपा धाम जो है वो भी तोशाम में ही है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मुंगीपा धाम कहाँ पर स्थित है, तो ये तोशाम में है और डाडम पहाड़ी भी तोशाम में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में बोरवेल में गिरे नदीम नामक बच्चे को सकुशल बचाया गया है? तो ये गिरा था, बालसमंद गांव का बच्चा था नदीम। तो हिसार जिले के अंदर है बालसमंद गांव। तो इसमें 15 महीने का नदीम जो है वो खेलते हुए लगभग 30 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। तो नदीम को जो है वो लगभग 48 घंटे की कड़ी मशक्कत करने के बाद जो है वो सेना, एनडीआरएफ और ग्रामीणों ने प्रशासन की मदद से जो है वो सकुशल उस बोरवेल से बाहर निकाला था। तो ये नदीम बच्चा जो है वो बालसमंद गांव का रहने वाला था। नेक्स्ट है, 47वीं हरियाणा सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किस जिले में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है हिसार जिले में। तो हिसार जिले के महावीर स्टेडियम में 23 से लेकर 25 मार्च 2019 तक 47वीं हरियाणा सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। तो इसमें जो है वो पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुकाबले आयोजित किए गए यहाँ पे। नेक्स्ट है, 47वीं हरियाणा सीनियर हैंडबॉल स्टेट चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है जींद की टीम ने। तो हिसार में खेली गई 47वीं हरियाणा सीनियर हैंडबॉल स्टेट चैंपियनशिप में जींद की टीम ने हिसार की टीम को जो पराजित करके महिला वर्ग का खिताब जीता है। तो फाइनल में जींद ने हिसार को 29-22 के स्कोर से हराया। तो इसमें जो है तीसरे स्थान पर रोहतक की टीम रही है। नेक्स्ट है, 47वीं हरियाणा सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग का खिताब जीता है झज्जर की टीम ने। तो झज्जर की टीम ने जो है वो फाइनल में हिसार की टीम को पराजित किया था। तो झज्जर ने जो है वो 25 का स्कोर किया था और हिसार की टीम ने 22 का स्कोर। तो इसके साथ ही जो झज्जर ने फाइनल जीता। तो ये थी 47वीं हरियाणा सीनियर स्टेट हैंडबॉल चैंपियनशिप, जिसमें जो पुरुष वर्ग का मुकाबला झज्जर ने जीता और दूसरे स्थान पर हिसार रहा है। तो इस प्रतियोगिता में तीसरे स्थान पर जींद की टीम रही है। तो दोस्तों, जो महिला वर्ग है उसमें जींद की टीम पहले स्थान पर रही है और जो पुरुष वर्ग है उसमें जींद की टीम तीसरे स्थान पर रही है। इसमें पहले स्थान पर झज्जर की टीम रही है और दोनों ही मुकाबलों में दूसरे स्थान पर हिसार की टीम रही है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कृषि विश्वविद्यालय को कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण समृद्धि में योगदान के लिए प्रतिष्ठित कृषि शिक्षा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो हिसार जिले में स्थित है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो इसको जो है वो कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा ग्रामीण समृद्धि में योगदान के लिए प्रतिष्ठित कृषि शिक्षा सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एचएयू के जो कुलपति है वो प्रोफेसर केपी सिंह है। इन्होंने जो है वो नई दिल्ली में आयोजित अवार्ड समारोह में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत से यह अवार्ड ग्रहण किया है। तो इसमें जो है वो विश्वविद्यालय को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी तथा 1,11,000 रुपये का नगद जो है पुरस्कार इसमें दिया गया है। तो वर्ष 2015 में भी जो है वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने इसी जो है अवार्ड को जो जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्राचीन मंदिर बाबा प्रसादगिरी की शक्तिपीठ स्थित है? तो ये है झज्जर जिले में। तो प्राचीन मंदिर बाबा प्रसादगिरी का शक्तिपीठ झज्जर जिले में स्थित है और श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पुरानी परंपरा के अनुसार
प्राचीन काल में बने हुए पंखे चढ़ाते हैं। तो आजकल जो है वो श्रद्धालु प्राचीन काल के अलावा जो नवीनतम पंखे हैं वो भी चढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है, झज्जर जिले के किस गांव को डिजिटल गांव बनाया जा रहा है? तो ये है सांखोल गांव। तो झज्जर जिले के सांखोल गांव को जो है वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट का पहला डिजिटल गांव बनाया जा रहा है। तो हरियाणा सरकार ने प्रदेश के हर जिले से एक गांव को पूरी तरह से डिजिटल बनाने का जो है वो काम शुरू कर रखा है और इसके तहत झज्जर जिले में सांखोल गांव का चयन जो वो डिजिटल गांव के लिए किया गया है। तो झज्जर का जो सांखोल है वो डिस्ट्रिक्ट का पहला गांव जो डिजिटल होने जा रहा है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में स्थित शीतला माता मंदिर सरोवर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है? तो ये है गुरुग्राम में स्थित। तो गुरुग्राम जिले में स्थित शीतला माता मंदिर सरोवर का सौंदर्यीकरण जो है वो पिछले 2 वर्षों से किया जा रहा है और इसका कार्य जो अभी चल रहा है। तो यह मंदिर जो है वो लगभग 400 वर्ष पुराना है और यहाँ पर हर वर्ष जो है चैत्र मास में बड़ा भारी मेला लगता है। लोग जो है वो सरोवर में स्नान करते हैं और वहाँ से मिट्टी निकालते हैं। नेक्स्ट, किस हरियाणवी ने फिलीपींस में मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर 2019 का खिताब जीता है? तो ये जीता है रितु लखीना ने। तो रितु लखीना जो है वो फरीदाबाद के रहने वाली है और इस 16 वर्षीय लड़की ने फिलीपींस में मिस ग्लैमर लुक इंटरनेशनल एम्बेसडर 2019 का खिताब जीता है। तो रितु लखीना जो है वो ग्लोबल कैंसर कन्वर्जन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं जिसमें वह कैंसर से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करती हैं। तो इस अवार्ड को जीतने से पहले भी जो है वो रितु लखीना ने मिस ग्लोबल यूथ इंटरनेशनल इंडिया, मिस इंडिया टूरिज्म एम्बेसडर इंटरनेशनल इंडिया, मिस इंडिया इंटरनेशनल एलीट और इसके अलावा जो है वो मिस टीन इंडिया का खिताब भी जीता है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले के सतीश ने रिकॉर्ड समय में बोतल तोड़कर गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज कराया है? तो सतीश हैं करनाल के। तो हरियाणा के करनाल जिले के रहने वाले सतीश ने 2.65 नैनो सेकेंड में 10 बोतल तोड़कर जो है वो एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इनसे पहले यह रिकॉर्ड जो है चीन के व्यक्ति के नाम था जिसने 3.45 नैनो सेकेंड में 5 बोतल तोड़ी थी। तो अब जब उस 30 ने 2.65 नैनो सेकेंड में 10 बोतल तोड़कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इसके अलावा जो उस 30 ने एक और रिकॉर्ड बनाया है तो वो रिकॉर्ड है 73 बोतल तोड़ने का है एक साथ जो है वो। तो एक मिनट में जो है उस 30 ने 73 बोतल तोड़ी है। तो इससे पहले यह रिकॉर्ड जर्मनी के युवक के नाम था जिसने एक मिनट में 65 बोतल तोड़ी थी। तो अब जो है वो सतीश ने 73 बोतल तोड़कर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। तो इस तरह जो है वो करनाल के सतीश ने 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जो कि वर्ल्ड गिनीज बुक में दर्ज हुए हैं। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 किस जिले में आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन किया गया है पानीपत में। तो 1 करोड़ रुपये की इनामी राशि वाली अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता जो है वो पानीपत में 22 से लेकर 24 मार्च 2019 तक आयोजित की गई है। तो पानीपत के सेक्टर 13-17 में शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में ये 3 दिवसीय अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती आयोजित की गई थी। तो इस प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 2016 में गुड़गांव में हुई थी। उसके बाद जो है वो दूसरी बार यह प्रतियोगिता 2017 में अम्बाड़ा में आयोजित की गई थी और तीसरी बार यह प्रतियोगिता 2018 में भिवानी में आयोजित की गई थी। तो इसमें जो विजेता टीम होती है उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाता है और अब यह प्रतियोगिता जो है वो महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 में कौन सी टीम ओवरऑल चैंपियन बनी है? तो इसमें ओवरऑल चैंपियन बनी है रेलवे की टीम। तो पानीपत में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ की इनामी कुश्ती प्रतियोगिता में रेलवे की टीम ने जो है वो कुल 220 अंक लेकर ओवरऑल चैंपियनशिप जीती है।
रेलवे ने इसमें जो है वो 10 में से 6 स्वर्ण पदक जीते और वो इसके साथ ही वो पहले स्थान पर रहा है। हरियाणा जो है वो 3 स्वर्ण पदक जीता और उसके साथ ही वो दूसरे स्थान पर रहा है। तो पिछले वर्ष जो है ये प्रतियोगिता भिवानी में आयोजित हुई थी, तो उसमें भी रेलवे ने पहला स्थान जीता था और हरियाणा ने दूसरा स्थान जीता था। तो इसमें जो है प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, सिल्वर पदक विजेता को 5 लाख, ब्रॉन्ज पदक के विजेता को जो है वो 2.5 लाख और चौथे स्थान पर रहने वाले पहलवान को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। तो यानी कि जो इसमें पुरुष वर्ग में जो 10 चैंपियन बनते हैं तो उनको जो है 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो इस तरह यह 1 करोड़ की इनामी प्रतियोगिता होती है। तो क्वेश्चन नंबर है पहला कि राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा केसरी का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है विशाल ने। तो ये राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता जो है वो फरीदाबाद के खेल परिसर में सेक्टर 12 में हुई है। तो इसमें हरियाणा केसरी का खिताब जीता है झज्जर जिले के रहने वाले विशाल ने। तो यह प्रतियोगिता जो है 25 से 27 फरवरी 2019 तक फरीदाबाद में आयोजित की गई थी। तो इसमें जो है विशाल पहले स्थान पर रहे हैं और इनको जो है 1,51,000 रुपये का इनाम मिला है। नेक्स्ट है कि भारतीय निशानेबाज मन्नू भाकर और सौरभ चौधरी ने वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। तो भारतीय निशानेबाज मन्नू भाकर जो है वो हरियाणा के झज्जर जिले के गोरेया गांव की रहने वाली है और सौरभ चौधरी जो है ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो मन्नू भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। तो ये जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें भारत को एक ओलंपिक कोटा मिला है। तो उस ओलंपिक कोटे में जो है वो सौरभ चौधरी ने ये ओलंपिक कोटा हासिल किया है और इसमें जो है वो भारत पहले स्थान पर रहा है हंगरी के साथ में जो है वो गोल्ड की जो ये मेडल टेली है उसमें। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा केसरी का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है नैना ने। तो नैना जो है ये पानीपत के रहने वाले खिलाड़ी है। तो कैथल में आयोजित हुई थी अभी ये 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता जो कि 25 से 27 फरवरी 2019 तक आयोजित हुई है। तो इसमें हरियाणा केसरी का खिताब पानीपत की नैना ने जीता है। तो नैना को जो है वो 1,51,000 रुपये और गदा जो है वो इनाम स्वरूप भेंट की गई है। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने हरियाणा कुमारी का खिताब जीता है? तो ये जीता है मंजू ने। तो मंजू ने जो है वो 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में हरियाणा कुमारी का खिताब जीता है। तो ये प्रतियोगिता जो है हरियाणा कुमारी की जो प्रतियोगिता है हरियाणा कुमारी और हरियाणा केसरी जो लड़कियों की थी ये कैथल में आयोजित हुई थी और लड़कों की जो प्रतियोगिता थी वो फरीदाबाद में हुई थी। तो ये प्रतियोगिताएं 25 से 27 फरवरी तक आयोजित हुई है। तो कैथल में जो है छोटू राम इंडोर स्टेडियम में ये प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी। तो इसमें जो है वो हिसार की रहने वाली मंजू ने हरियाणा कुमारी का खिताब जीता है। तो मंजू को जो है वो इनाम के रूप में 51,000 रुपये मिले हैं और गदा जो है वो इनको स्मृति चिन्ह में भेंट की गई है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ लिमिटेड पंचकुला का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं सरदार हरपाल सिंह चीका को। तो हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र के रहने वाले सरदार हरपाल सिंह चीका को हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल प्रसंघ लिमिटेड पंचकुला का चेयरमैन बनाया है। तो इससे पहले जो है इनसे पहले चंद्र प्रकाश कथुरिया जो है वो चेयरमैन थे। तो उन्होंने जो है वो अभी इस्तीफा दे दिया है। तो उसके बाद में जो है सरदार हरपाल सिंह चीका को अभी चीनी मिल प्रसंघ लिमिटेड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर बख्शी राम।
तो साल 2018 के लिए डॉक्टर बख्शीराम को हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर बख्शीराम को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने सम्मानित किया। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 के लिए युवा विज्ञान रत्न अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। तो दोस्तों जो विज्ञान रत्न अवार्ड था वो दिया गया डॉक्टर बख्शीराम को 2018 के लिए, और जो युवा विज्ञान रत्न है वो दिया गया है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और डॉक्टर राजेंद्र सिंह को। तो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने डॉक्टर सुरेंद्र सिंह व डॉक्टर राजेंद्र सिंह को वर्ष 2018 के लिए हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड प्रदान किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 के लिए हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड किन्हें प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर संजीव कुमार और पूनम अरोड़ा को। तो हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने एक पुरस्कार सम्मान समारोह में ये वर्ष 2018 और 2017 के विज्ञान रत्न अवार्डों की जो है वो घोषणा की थी। तो इसमें जो है डॉक्टर संजीव कुमार और डॉक्टर पूनम अरोड़ा को वर्ष 2017 के लिए हरियाणा युवा विज्ञान रत्न अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, राज्यपाल ने वर्ष 2017 के लिए हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र सिंह वर्मा को। तो वर्ष 2017 के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह वर्मा को जो है वो राज्यपाल ने हरियाणा विज्ञान रत्न अवार्ड प्रदान किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है राम निवास को। तो हरियाणा सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी राम निवास को हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो राम निवास की कार्यावधि जो है वो 3 साल तक रहेगी, यानी कि इनकी नियुक्ति 3 साल तक के लिए की गई है। क्वेश्चन है, हरियाणवी पहलवान बजरंग पूनिया ने पेट्रोव इंटरनेशनल मीट में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। तो हरियाणवी रेसलर बजरंग पुनिया ने पेट्रोव इंटरनेशनल मीट में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जो है वो पार्टिसिपेट किया था, और इसके फाइनल में अमेरिका के जॉर्डन माइकल ओलिवर को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो बजरंग पुनिया जो है वो मूल रूप से झज्जर जिले के खुडन गांव के रहने वाले हैं और इस समय सोनीपत में रह रहे हैं। तो इस प्रतियोगिता में जो है वो बजरंग पुनिया के अलावा हिसार की रहने वाली पूजा ढांडा ने भी स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, हरियाणवी पहलवान विनेश फोगाट ने डेल कालोव इंटरनेशनल मीट में कौन सा पदक जीता है? तो विनेश फोगाट ने इसमें रजत पदक जीता है। तो हरियाणवी महिला रेसलर विनेश फोगाट ने डेल कालोव निकोला पेट्रोव रैंकिंग सीरीज इंटरनेशनल मीट के फाइनल में चीन की क्यान्यू पंग से हारकर जो है वो रजत पदक जीता है। तो फाइनल में जो है वो विनेश फोगाट चीन की क्यान्यू पंग से हार गई थी, तो इस कारण जिनको रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो विनेश फोगाट चरखी दादरी के बलाली की रहने वाली है। नेक्स्ट है, हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है यादविंदर सिंह संधू को। तो यादविंदर सिंह संधू जो है वो इनको हरियाणा सरकार ने हरियाणा युवा आयोग का चेयरमैन बनाया है। तो ये NIT फरीदाबाद के रहने वाले हैं। यादविंदर सिंह संधू जो है वो शहीद भगत सिंह के पौत्र हैं। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की अभी हाल ही में बैठक हुई थी, तो उसमें युवा नीति घोषित की गई थी जिसके तहत हरियाणा युवा आयोग का गठन किया गया है, और इसी आयोग का चेयरमैन जो है वो यादविंदर सिंह संधू को बनाया गया है। तो हरियाणा युवा आयोग का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं का सर्वांगीण विकास कराना है, और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना जो है वो युवाओं में जागृत करना इसका मुख्य लक्ष्य है। नेक्स्ट है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के सभी 22 जिलों के लिए 4,106 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है? तो ये किया है कुल 211 परियोजनाओं का।
तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 मार्च 2019 को चंडीगढ़ से राज्य के सभी 22 जिलों के लिए 4,106 करोड़ रुपए से अधिक की जो है कुल 211 नई परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो एक साथ उद्घाटन और उनका शिलान्यास किया। तो ये जो है पहली बार है जब इतनी सारी परियोजनाओं का जो है वो एक साथ उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण की इजाज़त देने वाले हरियाणा के कानून पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। तो ये है अरावली पहाड़ी क्षेत्र। तो हरियाणा सरकार ने विधानसभा में पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 में जो है वो संशोधन बिल पास किया था। तो उसके परिणामस्वरूप जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण की इजाज़त देने वाले हरियाणा के इस कानून पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जो है यह कानून लागू नहीं करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गठित राज्य स्तरीय कार्यबल का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया है। तो ये किया गया है महिपाल ढांडा को। तो हरियाणा सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य स्तरीय कार्यबल का गठन किया है ताकि जो है वो इस स्वच्छ भारत मिशन को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। तो इसके लिए हरियाणा सरकार ने पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक महिपाल ढांडा को इसका चेयरमैन बनाया है और इसके साथ में जो है वो वाइस चेयरमैन की भी नियुक्ति की है। तो सुभाष चंद्र को जो है वो वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा की कौन सी जेल प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली जेल बनी है। तो ये है पानीपत जेल। तो पानीपत जेल जो है वो हरियाणा प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली जेल बन गई है। तो पानीपत जेल में 230 किलोवाट का सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो भी लगाया गया है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 3 मार्च 2019 को लगभग 70 करोड़ की लागत से बने हुए इस आधुनिक जेल का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, कृषि विषयों में बेरोजगारों को सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करने वाला पहला विश्वविद्यालय जो है वो कौन सा बना है। तो ये बना है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालय जो है वो बेरोजगारों को कृषि विषयों में सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तो यहाँ पर जो है वो बेरोजगारों को कृषि विषय से संबंधित सर्टिफिकेट्स के कोर्स करवा जाते हैं और फिर उन्हें जो है वो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है ताकि वो आगे चलकर जो है वो इस क्षेत्र में अपनी जो है तरक्की कर सकें। नेक्स्ट है, रेवाड़ी के मनेठी में बनने वाले देश के 22वें एम्स के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। तो ये रखा है कुल 1299 करोड़ रुपए का। तो हरियाणा के रेवाड़ी के मनेठी में लगभग जो है वो 200 एकड़ भूमि में बनने वाले देश के 22वें अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान यानी कि एम्स के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने लगभग जो है 1299 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखा है। तो केंद्र सरकार ने अपने बजट में 22वां एम्स हरियाणा में बनाने की घोषणा की थी। जो भी बजट पेश हुआ था 2019-20 का, तो उसमें जो है वो वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि देश का 22वां एम्स हरियाणा में बनाया जाएगा। तो ये जो है हरियाणा के रेवाड़ी के मनेठी में बनाया जाएगा ये एम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के कितने खंडों को सक्षम खंड घोषित किया जा चुका है। तो अब तक जो है वो 94 खंडों को सक्षम खंड जो है वो घोषित किया जा चुका है हरियाणा के। फरवरी 2019 में 68 खंड जो है वो सक्षम खंड घोषित भी नए किए गए हैं और इससे पहले जो है 26 खंड पहले से ही सक्षम खंड घोषित किए जा चुके हैं। तो 5 साल पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से सक्षम हरियाणा सेल द्वारा जो है वो राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया था। तो इसके तहत
पहले जो है वो खंड, फिर उसके बाद जिला और सबसे लास्ट में पूरे राज्य को सक्षम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसी के तहत जो है वो सरकारी स्कूलों की तीसरी, पांचवी व सातवीं कक्षा के बच्चों का हिंदी भाषा और गणित भाषा में जो है वो उनकी कक्षा के अनुसार प्राप्त स्तर का आंकलन किया जाता है और उसी के बेस पर जो है वो उस खंड को सक्षम खंड घोषित किया जाता है। जब किसी जिले के सारे खंड सक्षम हो जाएंगे तो फिर उस जिले को फिर आगे जो है सक्षम जिला घोषित किया जाएगा, और जब सारे जिले जो है सक्षम हो जाएंगे तो उसके बाद पूरे राज्य को सक्षम राज्य इसके तहत घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा में मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना कब शुरू की गई थी। तो ये की गई थी 15 अगस्त 2011 को। तो मुख्यमंत्री स्कूल सौंदर्यकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना को हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त 2011 को शुरू किया था। तो इस योजना के तहत प्रत्येक खंड, जिला व राज्य स्तर पर आने वाले प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को जो है वो पुरस्कृत किया जाता है। तो इसके तहत जो है खंड स्तर पर प्रथम आने वाले को 50,000 रुपये, जिला स्तर पर प्रथम आने वाले को 1,00,000 रुपये और राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले स्कूल को 5,00,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसमें जो है स्कूलों का सौंदर्यकरण जो है वो उसकी प्रतियोगिता होती है। तो अब सरकार ने जो कहा है कि अगर किसी स्कूल को एक बार यह पुरस्कार मिल गया है तो आगे आने वाले 3 साल तक उसमें भाग नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किस वर्ष उदय भानु हंस को राज्य कवि का सम्मान प्रदान किया था। तो ये किया था 1967 में। तो पंजाब से अलग राज्य बनने के बाद हरियाणा सरकार ने 1967 में उदय भानु हंस को राज्य कवि का सम्मान प्रदान किया था। तो हरियाणा की जो है स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। तो उसके बाद में 1967 में उदय भानु हंस को जो है वो राज्य कवि बनाया गया था। तो अभी हाल ही में जो है उदय भानु हंस की मृत्यु हो गई है। तो उदय भानु हंस ने जो बहुत सारा योगदान दिया था साहित्य में, तो इनके द्वारा रचित हिंदी रुबाइयाँ, संत सिपाही और हरियाणा गौरव गाथा जो है वो ऐसी महान कृतियाँ हैं जिनका हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान है। नेक्स्ट है कि पशुधन नस्ल सुधार व बेसहारा पशुओं के लिए विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो ये बना है हरियाणा। तो हरियाणा पशुधन नस्ल सुधार व आवारा और बेसहारा पशुओं के समाधान के लिए हरियाणा पशु पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन विधेयक 2019 पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र 2019 में यह विधेयक पारित किया गया था। क्वेश्चन है दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में देश का कौन सा शहर टॉप पर रहा है। तो ये रहा है गुरुग्राम। तो पर्यावरण को बचाने के लिए काम करने वाली एनजीओ ग्रीन पीस ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की जो है वो सूची जारी की है। तो इसमें हरियाणा का गुरुग्राम जो है वो टॉप पर रहा है। तो यानी कि जो प्रदूषण के मामले में गुरुग्राम शहर टॉप पर है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण दर्ज किया गया है। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद रहा है और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का शहर है फैसलाबाद, वो तीसरे पर रहा है। और चौथे नंबर पर जो है वो हरियाणा का ही फरीदाबाद रहा है। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया है। तो ये किया गया है 5 मार्च को। तो 5 मार्च को हरियाणा में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत जो है वो पूरे देश में ही 5 मार्च से की गई है। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित मासिक पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत की गई है। तो इसके तहत जो है वो केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
नेक्स्ट है, दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के कितने शहर शामिल हैं? तो इसमें हरियाणा के 4 शहर शामिल हैं। तो एयर विजुअल और ग्रीन पीस द्वारा जारी वायु प्रदूषण की रिपोर्ट में दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 4 शहर जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। तो इसमें गुड़गांव शहर जो है वो पहले नंबर पर है, फरीदाबाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जींद 20वें नंबर पर है और रोहतक जो है वो 25वें नंबर पर है। तो टॉप 30 में हरियाणा के ये 4 शहर इस लिस्ट में शामिल हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा किस स्थान पर रहा है? तो इसमें हरियाणा रहा है 9वें नंबर पर। तो ये रिपोर्ट जो है अभी जारी की गई है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा को 9वां स्थान मिला है। इसमें पहले नंबर पर जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य रहा है, दूसरे नंबर पर झारखंड राज्य रहा है और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य रहा है और हरियाणा को जो है वो 9वां स्थान मिला है इस लिस्ट में। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो इसमें रहा है करनाल। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में करनाल को देश भर में 24वां स्थान मिला है। तो करनाल जो है वो प्रदेश में लगातार तीसरी बार नंबर वन पर रहा है। तो पिछले साल भी जो है करनाल नंबर वन पर था। तो पिछले वर्ष करनाल जो है देश में 41वें नंबर पर रहा था और इस बार जो है इसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है और ये 24वें नंबर पर है। तो दोस्तों, आपको मुझे ये बताना है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में पूरे देश में टॉप पर कौन सा शहर रहा है? तो हरियाणा में तो आपको मैंने बताया कि करनाल रहा है, तो आपको मुझे बताना है कि पूरे देश में कौन सा शहर टॉप पर रहा है। तो वो आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के कितने शहर स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में टॉप 100 में शामिल हुए हैं? तो टॉप 100 में हरियाणा के 4 शहरों को जगह मिली है। तो हरियाणा प्रदेश के 4 शहर जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में टॉप 100 में शामिल हुए हैं, जो कि पहले बार 4 शामिल हुए हैं। तो इसमें करनाल 24वें नंबर पर रहा है, रोहतक 69वें नंबर पर रहा है, पंचकुला 71वें नंबर पर रहा है और गुड़गांव को 83वां नंबर मिला है, यानी कि गुड़गांव 83वें स्थान पर रहा है। तो पिछले साल जो है यानी कि 2018 में हरियाणा का करनाल और रोहतक जिला ही टॉप 100 में शामिल थे। तो इस बार जो है वो 4 शहर शामिल हुए हैं जिसमें करनाल, रोहतक, पंचकुला और गुड़गांव है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य में लागू की है? तो ये की है हरियाणा राज्य ने। तो हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लागू की है। तो इसके तहत परिवार को इकाई मानकर प्रत्येक परिवार की यूनिक आईडी तैयार की जा रही है और इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार को अपने एक सदस्य को जो है वो नामित करना होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जवाहर सैनी को। तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में जींद के रहने वाले जवाहर सैनी को हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन बनाया है। तो अभी इनकी जो है वो नियुक्ति की है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण परिसंघ का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं टेकराम कंडेला को। तो हरियाणा सरकार ने जींद जिले के रहने वाले टेकराम कंडेला को हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण परिसंघ का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो अभी हाल ही में जो जींद में उपचुनाव हुए थे तो उसमें टेकराम कंडेला ने अपना समर्थन जो है वो बीजेपी को दिया था और उसी का इनको जो है वो लाभ देते हुए हरियाणा सरकार ने इनको हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण परिसंघ का चेयरमैन बनाया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 26 फरवरी को मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की है? तो ये की है हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना का जो है वो शुभारंभ किया है। तो
यह मुख्य रूप से राज्य के किसानों के लिए योजना है जो कि 5 एकड़ से कम क्षेत्रों के साथ भूमि करते हैं, भूमि के ऊपर जो खेती करते हैं उन किसानों के लिए है। तो इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक राशि प्रदान की जाएगी। तो ये एक योजना जो है वो सेंटर ने शुरू की है, सेंटर भी जो इसमें 6,000 रुपये देगा और हरियाणा सरकार ने भी 6,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो सेंटर की तरफ से जो है वो किस्तें जारी हो चुकी है, हरियाणा सरकार आगे आने वाले समय में ये जारी करेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा कला परिषद का निदेशक किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नागेंद्र कुमार शर्मा को। तो नागेंद्र कुमार शर्मा जो है वो अंबाला जिले के रहने वाले हैं, तो इनको जो है वो हरियाणा कला परिषद का निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा कला परिषद का उपाध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय भसीन को। तो संजय भसीन जो है वो गुरुग्राम के रहने वाले हैं, तो इनको भी हरियाणा सरकार ने हरियाणा कला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये भी हाल ही में जो है इनकी नियुक्तियाँ की गई हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर गार्बेज फ्री शहर घोषित किया गया है? तो गार्बेज फ्री शहर घोषित किया गया है करनाल को। तो हरियाणा के करनाल सिटी को गार्बेज फ्री शहर घोषित किया गया है और इसके लिए 6 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर की ओर से डिस्ट्रिक्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको अवार्ड भी प्रदान किया गया है। तो पूरे हरियाणा प्रदेश से अकेले करनाल को ही यह अवार्ड मिला है, यानी कि करनाल ही जो है वो एकमात्र गार्बेज फ्री शहर घोषित किया गया है हरियाणा का। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय सरस मेला कब से कब तक आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है 22 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। तो सूरजकुंड मेले की तर्ज पर जो है वो अम्बाड़ा में 22 फरवरी से लेकर 5 मार्च 2019 तक गांधी ग्राउंड छावनी में राज्य स्तरीय सरस मेले का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन है, कौन सा ब्लॉक हरियाणा प्रदेश का पहला सक्षम प्लस ब्लॉक बना है? तो ये बना है सांपला ब्लॉक। तो हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का अंग्रेजी भाषा में रुझान बढ़ाने के लिए शुरू की गई सक्षम योजना के तहत रोहतक जिले का सांपला खंड प्रदेश का जो है वो पहला सक्षम प्लस खंड बन गया है। तो यहाँ के सरकारी स्कूलों में 80% से अधिक विद्यार्थियों ने अंग्रेजी दक्षता के निर्धारित ग्रेड प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, सक्षम योजना जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में इस समय कितने मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष या फिर इससे अधिक है? तो ये है 5,910। तो हरियाणा राज्य की सभी 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में जो है वो 5,910 ऐसे मतदाता हैं जिनकी आयु 100 या उससे ज़्यादा वर्ष है। तो ये आंकड़ा जो है अभी चुनाव आयोग ने जारी किया है हरियाणा के। तो इस सूची के अनुसार 100 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के सर्वाधिक 553 मतदाता जो है वो करनाल में हैं और सबसे कम जो है 111 मतदाता पंचकुला में हैं। तो हरियाणा निर्वाचन आयोग ने राज्य स्तरीय जानकारी के लिए भी एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है जो है 1800-33-61950। और अगर आपको वोटर से संबंधित आपके कोई भी जानकारी चाहते हो तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर है 1950 यानी कि 1950। तो वहाँ पर जो है आप अपने वोट से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट, किस हरियाणवी को वेब वंडर वुमेन खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है सोनल गोयल को। तो सोशल साइटों पर सामाजिक मुहिम चलाने के लिए IAS अफसर सोनल गोयल को वेब वंडर वुमेन का अवार्ड दिया गया है। तो सोनल गोयल को नई दिल्ली में 6 मार्च को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में प्रदेश स्तरीय पिंक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया? तो ये किया गया है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो
8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पानीपत में प्रदेश स्तरीय पिंक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। तो इस दौड़ का शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था। तो इस दौड़ में 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया। तो इसमें जो 5 किलोमीटर दौड़ में प्रथम आए थे तो उनको 20,000 रुपये, दूसरे नंबर पर आने वाले को 15,000 और तीसरे नंबर पर आने वाले को 10,000 रुपये दिए गए। और 10 किलोमीटर दौड़ में प्रथम आने वाले को 31,000 रुपये, द्वितीय स्थान पर आने वाले को 25,000 और तृतीय स्थान पर आने वाले को 20,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। नेक्स्ट है, अतुल्य भारत सांस्कृतिक कुंभ का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र जिले में। तो कुरुक्षेत्र में हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में संस्कृति मंत्रालय व उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से अतुल्य भारत सांस्कृतिक कुंभ का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन 5 मार्च से लेकर 9 मार्च 2019 तक किया गया है। तो इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का ब्रिज नृत्य, महाराष्ट्र का लावणी, राजस्थान का भवई, असम का बिहू, गुजरात का गरबा और हरियाणा का घूमर आदि नृत्य जो है वो कलाकारों ने इसमें पेश किया। और इसके अलावा जो है शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक के ख्याति प्राप्त कलाकारों ने भी इसमें अपनी विशेष प्रस्तुतियाँ प्रदान की थी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लिमिटेड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं सुभाष चंद्र कतियाल। तो हरियाणा सरकार ने पलवल जिले के निवासी सुभाष चंद्र कतियाल को हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लिमिटेड का चेयरमैन बनाया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कितने नए राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए हैं? तो ये अभी किए हैं 3। तो हरियाणा सरकार ने लेफ्टिनेंट कमलजीत सिंह, जय सिंह बिश्नोई और कमलदीप भंडारी को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। तो जय सिंह बिश्नोई जो है वो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष, हरियाणा कर्मचारी चयन के सदस्य और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल करमजीत सिंह जो कि सेवानिवृत्त हैं, इन्होंने भारतीय सेना में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। और कमलदीप भंडारी राइट टू सर्विस कमीशन में आयुक्त रही है। तो इन तीनों को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने शपथ दिलाई थी पद की। और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है और या फिर अगर 65 वर्ष हो जाती है तो इनका कार्यकाल समाप्त होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हरियाणा की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है 23 महिलाओं को। तो हरियाणा सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 23 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को सम्मानित किया। तो इन महिलाओं को ये सम्मान राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदान किए थे। नेक्स्ट है, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है रेखा लक्ष्मी सिंह चौकन को। तो रेखा लक्ष्मी सिंह चौकन जो है वो रेवाड़ी जिले के रहने वाली है और इन्हें कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो रेखा लक्ष्मी सिंह चौकन को जो है 50,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया की बीमारी को ख़त्म करने के लिए किस अभियान को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है अटल अभियान। तो हरियाणा में 8 मार्च 2019 को अटल अभियान को लॉन्च किया गया है। तो इस अभियान के तहत प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया की बीमारी को ख़त्म करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। तो इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो प्रदेश में IMR तथा MMR का जो है वो सुधार करना है, यानी कि जो रेशियो होता है तो उस रेशियो में जो है वो सुधार किया जाए। तो इस अभियान के तहत हर साल जो है वो सरकार 21 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कितने तक के ऋण पर छोटे एवं सीमांत किसानों को
स्टाम्प ड्यूटी में 2000 रुपये की छूट प्रदान की है। तो ये की है 1.60 लाख। तो हरियाणा कैबिनेट ने जो है वो अपनी 8 मार्च को हुई मीटिंग में छोटे एवं सीमांत किसानों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लाभार्थियों को स्टाम्प ड्यूटी में 2000 रुपये की छूट प्रदान की है। तो अभी जो है कुछ समय पहले ही स्टाम्प ड्यूटी में जो है वो भारी वृद्धि की थी सरकार ने, तो पहले ये जो 2.5 रुपये होती थी तो उसको एकदम से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया था, परंतु अभी जो है वो सरकार ने इसमें कुछ एक जो ये सीमांत किसान हैं या फिर आर्थिक वर्ग से कमजोर हैं और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं तो इनको इसमें 2000 रुपये की छूट प्रदान की है। तो सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत विभिन्न प्रकार के ऋण समझौतों पर लिए जाने वाले 2000 रुपये के स्टाम्प शुल्क को हटाने का फैसला किया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने कितनी जातियों को घुमंतु में शामिल करने के प्रस्ताव को सिद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। तो ये हैं 6 जातियाँ। तो हरियाणा सरकार ने विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और टपरीवास समुदाय से संबंधित 6 जातियों को घुमंतु में शामिल करने के प्रस्ताव को सिद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो ये जो 6 जातियाँ हैं ये हैं जोगी, भाट, जंगम, मनियार, रैबारी और मदारी। तो इनको जो है वो घुमंतु कैटेगरी में शामिल किया गया है। तो अब हरियाणा में 22 जनजातियाँ जो हैं वो विमुक्त, घुमंतु, अर्ध घुमंतु और टपरीवास समुदाय में शामिल हैं। नेक्स्ट, 8 मार्गीय दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सेस कंट्रोल द्रुतगति एक्सप्रेसवे हरियाणा में कहाँ से होकर गुजरेगा? तो ये गुजरेगा गुरुग्राम से होकर। तो केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 90,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले देश में सर्वाधिक लंबाई के 1320 किलोमीटर लंबे 8 मार्गीय दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सेस कंट्रोल द्रुतगति एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। तो ये एक्सप्रेसवे जो है वो हरियाणा के गुड़गांव के सोहना से होकर गुजरेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस हरियाणवी खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये किया है बजरंग पूनिया को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म अवार्ड वितरण समारोह में हरियाणवी पहलवान बजरंग पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो बजरंग पूनिया जो है वो मूल रूप से झज्जर जिले के कुडण के रहने वाले हैं और इस समय सोनीपत में रह रहे हैं। बजरंग पूनिया ने पिछले साल 2018 में आयोजित जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे और एशियाई खेल हुए थे तो इन दोनों में स्वर्ण पदक जीता था। और इसके अलावा जो है बजरंग पूनिया ने विश्व कप में भी रजत और कांस्य पदक जीता है। तो बजरंग पूनिया विश्व कप में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। तो इन्हीं की जो है इन्हीं उपलब्धियों के कारण इनको पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस हरियाणवी को पशुपालन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है नरेंद्र सिंह को। तो नरेंद्र सिंह जो है वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म अवार्ड समारोह में जो है हरियाणा के नरेंद्र सिंह को पशुपालन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को भारतीय उत्कृष्ट शिक्षा सम्मान 2018 प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है गुरु जुम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार को। तो हिसार जिले में स्थित गुरु जुम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार को अत्यंत प्रतिष्ठित भारतीय उत्कृष्ट शिक्षा सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। तो गुरु जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को जो है ये अवार्ड दिया गया है और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1995 में की गई थी। तो यह सम्मान अमेरिका की बर्कशायर मीडिया LLC संस्थान के सौजन्य से उत्तर भारत क्षेत्र के श्रेष्ठतम विज्ञान अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में दिया गया है। तो यह सम्मान जो है वो 10 से 28 अक्टूबर 2018 तक देश के 20 से अधिक राज्यों में किए गए एक सर्वे के आधार पर
जीजेयू को दिया गया है। नेक्स्ट, पीजीआईएमएस रोहतक का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर रोहताश यादव को। तो हरियाणा सरकार ने डॉक्टर रोहताश कंवर यादव को पीजीआईएमएस रोहतक का निदेशक बनाया है। तो डॉक्टर रोहताश यादव पीजीआईएमएस रोहतक के 32वें निदेशक बने हैं। नेक्स्ट, किसने हरियाणा सहित देश के 11 राज्यों के लिए चैनलों की शुरुआत की है? तो ये की है दूरदर्शन ने। तो दूरदर्शन ने डीडी फ्री डिश पर हरियाणा सहित 11 राज्यों के लिए चैनलों की शुरुआत की है। तो प्रसार भारती के मुताबिक हरियाणा को जो है वो पहली बार विशेष सैटेलाइट चैनल मिला है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया है? तो ये किया है आदित्य चौटाला को। तो हरियाणा सरकार ने आदित्य चौटाला को सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया है। नेक्स्ट, हरियाणा में इस समय गुणवत्ता प्रमाण पत्र युक्त कितने अस्पताल हैं? तो इस समय 41 हॉस्पिटल हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में हरियाणा के 8 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। तो इसके साथ ही जो है वो अब हरियाणा में गुणवत्ता प्रमाण पत्र युक्त अस्पतालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में हाथी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। तो यमुनानगर जिले के बन संतोर में हाथी बचाव एवं पुनर्वास केंद्र स्थित है। नेक्स्ट, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें धनवंतरी अवार्ड प्रदान किया गया है। तो श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति डॉक्टर बलदेव कुमार को आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विश्व आयुर्वेद परिषद हरियाणा शाखा व निरोग स्टेट फाउंडेशन द्वारा संयुक्त तौर पर धनवंतरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर बलदेव कुमार को जो है वो रोहतक में आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस में आयुर्वेद एक्सीलेंस अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा के कौन सा नगर निगम रोबोट से सीवरेज मैन होल की सफाई करने वाला राज्य का पहला नगर निगम बना है? तो ये बना है गुरुग्राम नगर निगम। तो हरियाणा का गुरुग्राम नगर निगम प्रदेश का पहला नगर निगम बन गया है जिसमें सीवरेज मेन होल की सफाई रोबोट द्वारा की जा रही है। तो गुरुग्राम उत्तर भारत का पहला नगर निगम है जिसने बेडिकुट 2.0 रोबोट को लॉन्च किया है और इसके द्वारा जो है वो सीवरेज मेन होल की सफाई की जा रही है। क्वेश्चन है, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किसे पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दर्शन लाल जैन को। तो दर्शन लाल जैन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में 16 मार्च 2019 को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया है। तो दर्शन लाल जैन जो है वो यमुनानगर के जगाधरी के रहने वाले हैं और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दर्शन लाल जैन ने वर्ष 1999 में सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना की थी और इन्होंने जो है वो सरस्वती नदी के पुनर्जीवित करने के लिए जो है वो बहुत प्रयास किए और इसी कारण जो है वो इनको पद्म भूषण अवार्ड से राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करनाल जिले के किस किसान को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये है सुल्तान सिंह। तो करनाल जिले के नीलोखेड़ी के बुटाना गांव के रहने वाले हैं किसान सुल्तान सिंह। तो इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च 2019 को राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। तो सुल्तान सिंह का जन्म बुटाना गांव में हुआ था वर्ष 1963 में। सुल्तान सिंह ने उत्तर भारत की पहली मछली बीज हैचरी का निर्माण किया है और उन्होंने जो है वो मछली पालन में अभूतपूर्व सफलता पाई है, इसी कारण जो है इनको पद्मश्री अवार्ड से राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया है।
नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के निवासी कमल सिंह चौहान को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है? तो कमल सिंह चौहान है सोनीपत के। तो सोनीपत जिले के अटेरना गांव के रहने वाले हैं कमल सिंह चौहान। तो इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च 2019 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। तो कमल सिंह चौहान जो है मशरूम डेयरी फार्म, बायोगैस उत्पादन, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न, टमाटर आदि के जो वो ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं और इनको जो है वो मशरूम बेबी कॉर्न इत्यादि में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, हरियाणा सरकार ने जूनियर व सब जूनियर खिलाड़ियों के लिए सितंबर 2018 में बनाई कैश अवार्ड पॉलिसी को कब से लागू किया है? तो ये लागू किया गया है अभी 1 अप्रैल 2017 से। तो इस पॉलिसी को जो है सितंबर 2018 के अंदर ये पॉलिसी बनाई गई थी और अभी जो है मार्च 2019 में सरकार ने इसको लागू किया है और इसको जो है वो जब से ये सितंबर 2018 में बनाई गई थी उससे भी लगभग 1.5 साल पहले इसको लागू किया है, यानी कि 1 अप्रैल 2017 से इसको लागू किया है। तो अब जो है वो उसी के अनुसार खिलाड़ियों को ये पुरस्कार राशि दी जाएगी। नेक्स्ट है, महान अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जन्मदिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 मार्च को। तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था 17 मार्च 1965 को। तो कल्पना चावला की जो है वो अंतरिक्ष से वापस लौटते समय मृत्यु हो गई थी, इनका यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो कल्पना चावला जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में बाबा मस्तनाथ की स्मृति में वार्षिक उत्सव मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है रोहतक में। तो रोहतक जिले में स्थित बाबा मस्तनाथ की स्मृति में बाबा मस्तनाथ मठ स्थल बोहर में अभी जो है वो 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव मेले का जो है आयोजन किया गया है। तो इस मेले का जो है ये 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक चला है ये मेला। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के वीसी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर एस के गखड़। तो डॉक्टर एस के गखड़ को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय यानी कि IGU मीरपुर का नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गुड़गांव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन हैं? तो ये है मार्कंडेय आहूजा। तो इस समय जो है वो मार्कंडेय आहूजा गुड़गांव विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नया राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो सोनीपत रोहतक झज्जर और दादरी जिलों को आपस में जोड़ेगा? तो ये है NH 334B। तो एक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है NH 334B। तो यह उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो है वो शुरू होगा और वहाँ से होते हुए फिर हरियाणा के सोनीपत खरखोदा सांपला झज्जर और चरखी दादरी से होते हुए राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 709 से जुड़ जाएगा। तो ये नया जो है राष्ट्रीय राजमार्ग होगा NH 334B जो कि हरियाणा के सोनीपत रोहतक झज्जर और चरखी दादरी डिस्ट्रिक्स को कवर करेगा। क्वेश्चन है, हरियाणा में किसकी तर्ज पर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर का गठन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नेशनल कैडेट कोर के तर्ज पर। तो हरियाणा में नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC की तर्ज पर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर यानी कि SPCC का गठन किया जा रहा है। तो अनुशासित पीढ़ी तैयार करने के उद्देश्य से जो है 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट कोर का गठन किया जा रहा है। तो इसके जो गठन करने का उद्देश्य है वो है कि स्कूली स्तर पर ही विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया जा सके ताकि उनकी जो है नींव एक अच्छे तरीके से हो सके और आगे चलकर सही तरीके से जो है वो काम करें। तो नारनौल भिवानी और करनाल सहित जो है कुछ जिलों में इसका काम अभी शुरू हो चुका है और बाकी के जो जिले हैं उनके अंदर भी इसका काम जल्द ही स्टार्ट हो रहा है।
नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले मतदाताओं को वोट से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए टच स्क्रीन स्थापित की गई है? तो अभी जो लोकसभा 2019 चुनाव है तो इसके लिए कुरुक्षेत्र में की गई है। तो हरियाणा के मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी इस समय राजीव रंजन है, इन्होंने जो है कुरुक्षेत्र से वोट संबंधित जानकारी मात्र टच करने पर उपलब्ध करवाने हेतु टच स्क्रीन की शुरुआत की है। तो इस प्रकार के टच स्क्रीन मशीनें जो है वो सभी जिलों में लगाई जा रही है। तो चुनाव आयोग ने इस बार जो है जनता को वोट संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए एक टोल फ्री नंबर शुरू किया है। तो ये टोल फ्री नंबर है 1950। तो इसके ऊपर जो है वो कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपने जो वोट है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल द्वारा चुनाव में अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो जनता जो है वो इसकी शिकायत सीधे चुनाव आयोग को कर सकती है। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने सी विजिल नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। तो इसमें जो है कोई भी व्यक्ति जो उल्लंघन करता है चुनाव आचार संहिता का तो उसकी आप वीडियो बना सकते हैं या फिर उसकी फ़ोटो खींचकर इस ऐप के थ्रू भेज देंगे तो यह सीधे चुनाव आयोग के पास चली जाएगी और चुनाव आयोग जो है वो इस पर कार्रवाई करेगा। नेक्स्ट है, YMCA फरीदाबाद के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें दिया गया है रंग बंधु शिक्षा शिरोमणि सम्मान। तो JC बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA फरीदाबाद के कुलपति हैं प्रोफेसर दिनेश कुमार। तो इनको शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए रंग बंधु शिक्षा शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है पुरस्कार प्रोफेसर दिनेश कुमार को उनकी शिक्षा, कला, साहित्य एवं भारतीय संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करने के लिए उन्हें दिया गया है। तो ये पुरस्कार जो है रंग बंधु साहित्य अकादमी ने इन्हें दिया है 18 मार्च 2019 को। तो फरीदाबाद में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था तो उसमें 9वें अलंकरण समारोह में प्रोफेसर दिनेश कुमार को यह सम्मान दिया गया है। तो उन्हें यह सम्मान वर्ष 2017-18 के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा युवा कल्याण एवं खेल विभाग के निदेशक कौन हैं? तो ये है भूपेंद्र सिंह। तो भूपेंद्र सिंह इस समय हरियाणा युवा कल्याण एवं खेल विभाग के निदेशक हैं। नेक्स्ट है, CRPF ने अपने कादरपुर स्थित सेंटर में कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये भी मनाया है 80वां स्थापना दिवस। तो गुरुग्राम जिले के कादरपुर स्थित सेंटर में CRPF ने जो है वो अपना 80वां स्थापना दिवस 19 मार्च 2019 को मनाया है। तो इस अवसर पर इस सेंटर पर मुख्य अतिथि के रूप में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि NSA के चीफ अजीत डोभाल ने भाग लिया था। नेक्स्ट, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा 10 दिवसीय हरियाणवी लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है अंबाला में। तो उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा 10 दिवसीय हरियाणवी लोक नृत्य कार्यशाला का आयोजन अंबाला के बाल भवन में 19 मार्च से जो है वो इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के मामले में NIA कोर्ट ने फैसला सुनाया है? तो ये ब्लास्ट हुआ था पानीपत में। तो हरियाणा के पानीपत जिले में हुए समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट के मामले में NIA कोर्ट ने जो अपना अंतिम फैसला सुनाया है। तो इस मामले में जो है कोर्ट ने असीमानंद सहित चारों मुख्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में जो वो बरी कर दिया है। तो 18 फरवरी 2007 को भारत पाकिस्तान के बीच में जो है वो समझौता एक्सप्रेस चलती है। तो उस 18 फरवरी 2007 को इसमें जो है ट्रेन संख्या 4001 अपटारी में विस्फोट हुए थे दो। तो ये विस्फोट हुए थे पानीपत के दीवाना रेलवे स्टेशन के पास। नेक्स्ट, IPL के 12वें संस्करण में हरियाणा के राहुल तेवतिया किस टीम से खेल रहे हैं? तो ये खेल रहे हैं दिल्ली कैपिटल से।
तो जैसा कि आपको पता ही होगा, दिल्ली डेयर डेविल्स का जो है नाम बदलकर अभी दिल्ली कैपिटल कर दिया गया है। तो राहुल तेवतिया जो है वो फरीदाबाद के सीही गांव के रहने वाले हैं, और ये आईपीएल के 12वें संस्करण यानी कि आईपीएल 12 में दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेल रहे हैं। तो आईपीएल 12 का जो है वो स्टार्टिंग हुई है अभी 23 मार्च से। तो राहुल तेवतिया को जो है वो 3 करोड़ रुपए में दिल्ली कैपिटल ने खरीदा है। नेक्स्ट है वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 23 साल को। तो हर वर्ष 23 मार्च को अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव की याद में वीर एवं शहीदी दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। और दोस्तों जो हरियाणा का वीर एवं शहीदी दिवस है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये बात आप याद रखिए कि जो देश में वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है वो है 23 मार्च को, और हरियाणा में मनाया जाता है 23 सितंबर को। नेक्स्ट है हरियाणा में नवगठित राजनीतिक पार्टी जेजेपी को कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है। तो ये मिला है चप्पल चुनाव चिन्ह। तो हरियाणा में जो है वो एक पार्टी नई बनी है, जैसा कि आपको पता ही होगा, जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी। तो चुनाव आयोग ने भी जो है इसका चुनाव चिन्ह अलॉट किया है, और जेजेपी को चप्पल नामक चुनाव चिन्ह दिया गया है। तो इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने जो है वो जेजेपी नामक पार्टी बनाई है। नेक्स्ट है हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2019 किस तारीख को अभी जो है वो होंगे आगे। तो ये होंगे 12 मई को। तो हरियाणा में लोकसभा 2019 का शेड्यूल जो है वो 12 मई को डिफाइन किया गया है। तो 12 मई 2019 को जो है वो हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होंगे। तो देश में जो है कुल 7 चरणों में लोकसभा 2019 के चुनाव होंगे। तो उसमें हरियाणा में जो है वो 6वें चरण में चुनाव होंगे, और मतगणना जो है वो संपूर्ण देश में 23 मई को होगी। तो हरियाणा में जो है इस समय लोकसभा की 10 सीटें हैं। तो दोस्तों हरियाणा में जो है लोकसभा की 10 सीटें हैं, और इसके अलावा राज्यसभा की 5 सीटें हैं, और विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। तो ये जो है चीज़ आप याद जरूर कर लीजिए कि लोकसभा की 10 सीट है, राज्यसभा की 5 सीट है, और विधानसभा की 90 सीटें हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो इस तरह के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हरियाणा प्रदेश की पहली महिला विधायक कौन बनी थी। तो इसका आंसर है स्नेहलता। तो हरियाणा प्रदेश की पहली महिला विधायक स्नेहलता बनी थी। तो स्नेहलता जो है वो 1967 में हिसार से विधायक बनी थी। तो 1966 में जो है वो हरियाणा राज्य बना था, और उसके बाद 1967 में स्नेहलता जो है वो पहली महिला विधायक बनी थी हिसार से। तो अभी हाल ही में 29 मार्च 2019 को स्नेहलता का देहांत हो गया है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस पर्वतारोही ने 22 मार्च 2019 को ओशिनिया की सबसे ऊंची चोटी कारस्टेंसज पिरामिड पर चढ़ाई की है। तो ये की है ममता सोदा ने। तो हरियाणा पुलिस में डीएसपी है इसमें ममता सोदा। इन्होंने 22 मार्च 2019 को ओशिनिया की सबसे ऊंची चोटी कारस टेंसज पिरामिड पर जो है वो सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो कारस टेंसज पिरामिड जो है वो इंडोनेशिया के बेहद दुर्गम और बेहद पश्चिमी पापुआ क्षेत्र में लगभग जो है वो 4,884 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो ममता सोदा जो है वो हरियाणा के कैथल की बेटी है, और इन्होंने जो है वो इस पर्वत पर 18 मार्च को चढ़ाई शुरू की थी, और 22 मार्च को जो है वो सफलतापूर्वक इसकी चोटी पर पहुंच गई थी। तो यानी 5 दिन में जो है उन्होंने चढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। तो ममता सोदा ने इससे पहले जो है 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, 2012 में माउंट एल्ब्रुस पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, और 2013 में अफ्रीका का जो ऊंची चोटी है किलिमंजारो उसके ऊपर भी जो है वो सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी है। तो इनका लक्ष्य जो है वो दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने का है, और जिसमें जो ये लगातार आगे बढ़ रही है।
नेक्स्ट है, हरियाणा में किस जिले में इंडो इंटरनेशनल प्रीमियर कबड्डी लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है रोहतक में। तो नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से इंडो इंटरनेशनल प्रीमियर कबड्डी लीग का आयोजन करवाया गया है, जो कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में किया गया है। तो इस लीग का आयोजन जो है वो मार्च 2019 में किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी ए प्लस ग्रेड का दर्जा पाने वाली दूसरी यूनिवर्सिटी अभी जो है वो बन गई है? तो ये है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। तो रोहतक में स्थित जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसको भी नैक की तरफ से ए प्लस ग्रेड का दर्जा मिला है। तो नैक जो है वो एक विश्वविद्यालयों को रेटिंग देने वाला एक संस्थान है। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है के बाद में ए प्लस ग्रेड का दर्जा हासिल करने वाली महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अब हरियाणा की दूसरी यूनिवर्सिटी बन गई है। तो पहला जो है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है और अब दूसरी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी यानी कि MDU यूनिवर्सिटी बन गई है। नेक्स्ट, किस हरियाणवी खिलाड़ी ने 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट का गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है मन्नू भाकर ने। तो भारतीय निशानेबाज है मन्नू भाकर। इन्होंने ताइपे के ताओ युवांग में आयोजित 12वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। और इसके साथ में जो है वो इन्होंने सौरभ चौधरी जो खिलाड़ी हैं उनके साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट का गोल्ड मेडल भी विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता है। तो ये जो एशियन एयरगन चैंपियनशिप है तो इसमें मन्नू भाकर ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, एक तो जो है वो महिला इवेंट में इंडिविजुअल में और एक मिक्स्ड टीम इवेंट में सौरभ चौधरी के साथ। तो दोस्तों मन्नू भाकर जो है वो झज्जर जिले के गोरैया गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है वो कम ही समय में निशानेबाजी में बहुत बड़ा नाम कमा लिया है। नेक्स्ट है, पैरालंपिक में पदक जीतने वाली किस पहली भारतीय महिला ने भाजपा पार्टी ज्वाइन की है? तो ये है दीपा मलिक। तो हरियाणा की पैरालंपिक खिलाड़ी हैं दीपा मलिक। इन्होंने भी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। तो दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो दीपा मलिक ने जो है 2016 के पैरालंपिक में शॉटपुट खेल में जो है वो रजत पदक जीता था और इतिहास रचा था। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को UNO में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन में प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है अंजलि राज को। तो अंजलि राज जो है वो भारतीय मूल की विदेशी नागरिक है। इन्होंने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ डिजाइन प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन बनाया, तो जिससे जो है उन्हें प्रथम स्थान मिला है। तो अंजलि राज द्वारा बनाया गया ये जो डिजाइन था उसको UNO जो है वो अपने स्वास्थ्य कार्यक्रमों में बटन व टी शर्ट पर इसका इस्तेमाल करेगा। तो अंजलि राज मूल रूप से हिसार जिले के अग्रवाह की निवासी है और इस समय जो है वो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था मोंटेसरी मॉडर्न की ओर से जो है वो न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय हेल्थ डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन 21 से 23 मार्च तक करवाया गया था। तो जिसमें अंजलि राज ने ये डिजाइन बनाया था और प्रथम स्थान पर रही थी। नेक्स्ट है, 27 मार्च 2019 को हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बेसबॉल पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बेसबॉल पुरुष प्रतियोगिता का आयोजन 27 मार्च 2019 को किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार किसे विधानसभा में संख्या बल कम होने के कारण प्रतिपक्ष नेता का पद छोड़ना पड़ा है? तो ये है अभय चौटाला। तो इनोले पार्टी के विधायक हैं अभय चौटाला। इनको जो है वो विधानसभा में विधायकों की संख्या बल घटने के कारण नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो गंवाना पड़ा है। तो हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी विपक्षी दल को विधानसभा में संख्या बल कम होने के कारण जो है वो प्रतिपक्ष का नेता का पद छोड़ना पड़ा है, क्योंकि इनके जो विधायक थे वो कुछ के जो अलग पार्टी में शामिल हो गए थे, तो इसी कारण की जो संख्या थी उससे ये कमी हो गई थी
और इस कारण उनको नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना पड़ा है। नेक्स्ट है, मंगोलिया में आयोजित एशियन अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के किन दो खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है टीना और नैना ने। तो मंगोलिया में आयोजित हुई थी ये एशियन अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली टीना ने अंडर 65 भार किलो वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीता है, और रोहतक की रहने वाली नैना ने अंडर 72 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो मंगोलिया के उलन बटोर में 21 से लेकर 24 मार्च 2019 तक एशियन अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो इस प्रतियोगिता में भारत ने 5 स्वर्ण पदक सहित 9 पदक जीते हैं। तो इन 5 स्वर्ण पदक में से 2 स्वर्ण पदक हरियाणा की जो बेटियों ने जीते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर नारायण आचार्य को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये दी गई है ज्योतिष रत्न। तो चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, तो उसमें ज्योतिष के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए डॉक्टर नारायण आचार्य को ज्योतिष रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो नशा विरोधी मुहिम जो है वो इन डॉक्टर नारायण आर्य ने शुरू की थी हरियाणा और पंजाब में, और उसमें जो इन्होंने कई लोगों को नशादि से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट बनवाने का व्यापक संदेश बोर्ड परीक्षा प्रवेश पत्र के माध्यम से देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हरियाणा। तो पहली बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं तथा ओपन बोर्ड के विद्यार्थियों को जारी प्रवेश पत्र में जो है नए व्यक्तियों का अपना वोट बनवाने का संदेश दिया गया है। तो इसी के साथ जो है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए वोट बनवाने का व्यापक संदेश प्रवेश पत्र के माध्यम से देने वाला जो है वो हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, जीजेयू विश्वविद्यालय हिसार के किस प्रोफेसर को एजुकेशन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2018 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर अंजन कुमार बराल को। गुरु जुम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं अंजन कुमार बराल। तो इनको अमेरिका के मिनियापोलिस में एजुकेशन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2018 से सम्मानित किया गया है। तो यह पुरस्कार जो पाने वाले प्रोफेसर अंजन कुमार बराल भारत के पहले प्रिंटिंग क्षेत्र के प्रोफेसर हैं। तो यह पुरस्कार प्रोफेसर बराल को अमेरिकी प्रिंटिंग उद्योग के अध्यक्ष माइकल एफ माकिन ने जो है वो प्रदान किया है। तो प्रोफेसर बराल को जो है वो इससे पहले 2016-17 में एजुकेशन एक्सीलेंस तथा प्रिंट रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हैं, तो इनका आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज के अंदर करवाए हुए हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय फ्री स्टाइल 1 करोड़ इनामी कुश्ती प्रतियोगिता 2019 में किस जिले में ये जो प्रतियोगिता आयोजित हुई है? तो ये प्रतियोगिता किस में हुई है आपको बताना है। ऑप्शन ए है भिवानी, बी है करनाल, सी है रोहतक और डी पानीपत। तो इसमें आप यह बताना आपको कि ये किस जिले में आयोजित हुई है और इसमें किस टीम ने जीत हासिल किया, यानी कि पहले स्थान पर कौन सी टीम रही है। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा में कौन सा शहर टॉप पर रहा है? तो आपके ऑप्शन है ए फरीदाबाद, बी हिसार, सी गुरुग्राम या डी करनाल। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा ताकि मुझे आपकी तैयारी का पता चलता रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको इसी तरह के जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।